इसी चीज़ का डर था, क्योंकि सलार का जब पहले वाला ट्रेलर आया था उसके अंदर एक हाइप क्रिएट कर दी थी इतनी बड़ी कि हाँ लोग पागल हो गए थे। लेकिन इतने कम टाइम में, 22 तारीख कितने दिन रह गए, और उन्होंने अब ये ट्रेलर दूसरा ड्रॉप किया है ना, जो ये हाइप क्रिएट करने के लिए किया है ऑब्वियसली, बट इसका रिवील ना कर दे जिससे पूरी पूरी कहानी स्पॉयल हो जाए, जिसको हम एनालाइज करके अपने कॉन्क्लूजन पे आके मैं पूरी स्टोरी को अच्छे से फिगर आउट कर लूँ और फिल्म देखने का फिर मज़ा ही नहीं रहेगा। कि नए ट्रेलर में इन्होंने काफ़ी कुछ बता भी दिया है, जिस वजह से जहाँ पे मुझे लग रहा था यार मुझे देखना ही नहीं चाहिए था ये ट्रेलर, क्योंकि अब हमें पता है कि एक्चुअल में एंड में दो दोस्त दुश्मन हो जाएंगे पहले पार्ट के अंदर। दूसरी चीज़, जनरली प्रशांत नील ने इस फिल्म में जो कटाई दिखाई है घिना जी की, इतना बुरा मार मेरा बंदा काट रहा है, उसको देख कर ही इस फिल्म का ए सर्टिफिकेट होना बहुत ही नॉर्मल है। और प्रशांत नील स्मार्टली जानते हैं कि ये ट्रेलर के अंदर इन्होंने जो मोमेंट्स दिखाए हैं बचपन के, जो बच्चों वाले, ये जानबूझ कर दिखाया है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक को है ना ये बहुत ही इमोशनली अफेक्शनेट कर देंगे उनके पास्ट से, क्योंकि जैसे KGF में किया था। ट्रेलर में मैंने एक सीन नोटिस किया है जहाँ पे ये क्लासरूम है, शायद से इनके बचपन का सीन होगा, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा गया, और वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है अगर हम ढंग से पढ़े ना, विक्ट्रीज डोंट कम फ्रॉम वॉर, दे कम फ्रॉम फॉरगिवनेस। और ट्रेलर के अंदर बखूबी तुम जानते हो इस लाइन का क्या मतलब है। बुक माई शो पर जब मैं गया था ना भाई, इस फिल्म को 1.6 मिलियन लोग इतनी धड़ाधड़ बुक कर रहे इतनी जल्दी कि इसके टिकट के प्राइस इतने हाई होते जा रहे हैं, और बुक माई शो की रेटिंग के हिसाब से डंकी की रेटिंग अगर हम सलार से कंपेयर करें, तुम सोच सकते हो इस फिल्म का कितना ज़्यादा क्रेज होने वाला है। और ये चीज़ देख के मुझे एक मोमेंट याद आ गया जहाँ पे प्रभास ने एक टाइम पे कहा था कि उनके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर शाहरुख खान रहे हैं, और आज देखो इन दोनों एक्टर्स की फिल्म एक साथ आ रही है। बाकी जिसने मुझे सलार का कहा था, आई एम सॉरी कि मैं सलार का बनाना भूल गया ट्रेलर का रिव्यू, बट हियर इट इज़, थैंक यू।